गुजरात एटीएस ने आज लॉरेंस बिश्नोई ने नलिया कोर्ट में रजू कर्यो हतो अने लॉरेंस बिश्नोई ना गई काले जी रीते ट्रांजिट रिमांड पटियाला हाउस कोर्ट में मळ्या बाद तेने आज अहीं नलिया कोर्ट में सांजे रजू करवामां आव्यो अने तेना 14 दिवसना जे रिमांड छे ते पुलिस रिमांड छे मंजूर करवामां आव्या छे नलिया कोर्ट द्वारा। 14 दिवसनी अंदर अमुक जे रजूआतों से कोर्टनी अंदर एटीएसे मूकी थी कि 14 दिवस की अंदर एक नाइजेरियन महिला शू रोल हो अन्य जो पाकिस्तानी हेन्डलर शू रोल हो लॉरेंस कई रीते आने के संकलायेलो हो 6 धरपकड़ थी है ये कई रीते संपर्क लॉरेंस साथ थोड़ा और पाकिस्तान हेन्डलर की बात है तो पाकिस्तान में हेन्डलर कोण आ ड्रग्स मोकलनार तमाम बाबतों पर तपास करी है एटला 14 दिवस न्यायिक हिरासत की मांग करी थी और कोर्टे जो रिमांड है पुलिस रिमांड से मंजूर कर हवे आ केस में एटीएस द्वारा पूछपरछ 14 दिवस करवामां आवशे लॉरेंस बिश्नोईनी। खास करीने वात करवामां आवे तो कोर्टनी अंदर लॉरेंस बिश्नोईना वकीले एवी मांग पर करी हती के तेनी जे सुरक्षा छे ते लॉरेंस बिश्नोईनी एनआईए ने जे गाइडलाइन्स छे ते प्रमाणे राखवामां आवे कारण के थ्रेडफुल छे एटला माटे कोर्टे पण कह्युं हतुं के लॉरेंसनी सुरक्षामां कोई चूक न थवी जोईए आ बाबतमां एटले ज चेतक कमांडो 50 जेटला साथे तेने अहीं कोर्टनी अंदर पेश करवामां आव्यो हतो अने साथे तेनी सिक्योरिटी पण वधारी देवामां आवी छे अने 14 दिवसनी अंदर ते गुजरातनी अंदर रही अने गुजरात एटीएस तपास करशे कि लॉरेंस कई रीते आ समग्र ड्रग्स कांड साथे सकळायेलो हतो अने लॉरेंसनी शुं मोडस ऑपरेटिंग हती अने आ साथे अन्य खुलासाओ पण थई शके छे। कौशिक कांटेचा, गुजरात तक, कच्छ।